तो दोस्तों आज के इस वीडियो में Redmi Note 7 Pro के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका बैटरी बैकअप जो है वो ज्यादा होगा। तो अगर आपके मोबाइल में कुछ बैटरी इश्यूज है, इन जनरल Xiaomi के फोन्स हो, कुछ कोई भी फोन्स हो, Redmi Note 7 हो, Note 6 Pro हो, Note 6 हो, तो इन सारे फोन्स में आप अप्लाई कर सकते हैं ये सेटिंग्स। तो कुछ सेटिंग्स टिप्स है, अगर आप उस टिप्स को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो बहुत सारा बैटरी बैकअप सेव होगा। तो ये जरूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना सेव हुआ है ओवर द टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, एंड वैसे लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट होगा। तो दोस्तों अभी हम होम स्क्रीन पर है, यहाँ पर हमको सेटिंग्स पर जाना है। तो सेटिंग्स पर जाएंगे एंड यहाँ से आपको जाना है बैटरी एंड परफॉर्मेंस। हाँ, अभी आपको लगा होगा कि बैटरी परफॉर्मेंस तो हम देखे ही है, तो इसमें क्या सेटअप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना है चूज एप्स सेविंग पावर इन द बैकग्राउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। हिट दैट लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगता है। तो बैटरी सेवर पर क्या कर सकते हैं अभी, देखिए कुछ इतने ही एप्लीकेशंस हैं, मैंने कुछ ज्यादा इसमें इंस्टॉल ही नहीं किया है, प्री इंस्टॉल्ड एप्स है सभी। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है कि सिस्टम एप्स मिसिंग है, तो इसको एनेबल करने के लिए आपको थ्री डॉट्स पर टैप करना है, यहाँ से शो सिस्टम एप्स। तो यहाँ से सारे सिस्टम ऐप्स आपको दिख जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ क्या करना है, कोई भी ऐप्स अगर आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर कम यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को, तो उन सारे एप्लीकेशंस को एक बार टैप करना है। जैसे कि अभी ओपेरा मिनी को मैंने टैप किया, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इसको। बाई डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, बैटरी सेवर पर रहेगा ब्लू कलर, तो इसको चेंज करके आप रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी को करके ओके पर टैप करना है। देखिए अभी ब्लू कलर यहाँ पर हुआ ना, तो इसको हमने इनेबल कर दिया है। तो इससे जो है आपका बैटरी ज़्यादा बचेगा, बैकग्राउंड में फालतू में वो ऐप्स रन होते हुए बैटरी नहीं खाएगा, तो ज़्यादा बैटरी डेफिनेटली बचेगा। वैसे ही सारे एप्लीकेशंस को करना है, जैसे कि डेली हंट अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट बैटरी सेवर पर है, तो इसको चेंज करके रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर आपको टैप करना है। तो ऐसे सारे एप्लीकेशंस जो आप कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उस पर ऐसे टैप करना है रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी एंड देन से ओके। तो ऐसे करते जाइए एंड देखिए कि कितना बैटरी बैकअप आपका बढ़ेगा मोबाइल पर। नेक्स्ट सेटिंग आपको चेंज करना है पावर पर। यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा वो बैटरी यूसेज कैसा है डिपेंडिंग ऑन दैट। देखिए ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि फेसबुक और एक एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो ऐड टू मिनट्स है, टू मिनट्स हमने ऐड कर दिया है बैटरी लाइफ को। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चेंज करना है, वो है कि यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं, आप भी मैंने आपको बता दिया है कि इन 10 मिनट्स आप रखिए। मेरा सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन इन 10 मिनट्स है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूसली एप्लीकेशंस को यूज़ करते रहते हैं तो इन 30 मिनट्स भी आप रख सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये कुछ भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो एंड यूज़ करने के बाद आप लॉक स्क्रीन पर ऐसे करेंगे ना, तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ कैश मेमोरी में वो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करेगा, जब भी आप उस एप्लीकेशन को फिर से ओपन करेंगे तो क्विकली ओपन होना है ना, तो इसके वजह से वो क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी पर स्टोर करके ज़्यादा कंज्यूम करेगा बैटरी। तो ऐसे में क्या करना है आपको, इन 10 मिनट्स रखना है, मतलब 10 मिनट तक वो कैश मेमोरी पर रहेगा अगर आप लॉक करते हैं डिवाइस तो भी। तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो क्लियर कर देगा कैश मेमोरी 10 मिनट के बाद। तो वैसे अपना स्पेस भी ज़्यादा बचेगा एंड उसके साथ आप ऐप्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एंड वैसे बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा। तो ये दोनों सेटिंग्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप चेंज कर दीजिए इन सेटिंग्स को एंड चेंज करके स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना एंड देखिए कि कितना बैटरी बैकअप आपका बढ़ेगा। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए हिट दैट लाइक बटन। तो ऐसे और वीडियोस मैंने बनाया हूँ Redmi Note 7, Note 7 Pro का, तो आप देख सकते हैं। इसका मैनुअल कैमरा सेटिंग्स मोड का वीडियो भी जल्द आने वाला है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन।